अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हैं एक्सपो सेंटर पे और मजेदार बात ये है, हम आपको एक ऐसा एसी दिखाने वाले हैं जो सोलर पे चलता है और उसके अंदर इन्वर्टर की जरूरत नहीं होती। ये आप हमारे पीछे सोलर प्लेट देख रहे हैं, ये हम आपको लाइव डेमो दे रहे हैं। ये सोलर प्लेट से डायरेक्ट अंदर एसी चल रहा है और ये पूरा पैकेज दे रहे हैं एसी का। चल के देखते हैं कि ये एसी का पैकेज कितने का है। मजेदार बात ये है कि इस रेट से आपका पूरा एसी चलेगा, तो आपका इन्वर्टर का खर्चा बच गया है। सोलर प्लेट लगाएं, डायरेक्ट एसी के ऊपर चलाएं। चलें चल के इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आपको उसकी अपडेट देते हैं। आइए हमारे साथ। आपके पास आए हायर की इतनी अच्छी डील लेके आए आप लोग कि अब एसी चलेगा डायरेक्ट सोलर पैनल से, तो उसकी डिटेल्स बताएंगे कैसे चलेगा, क्या सिस्टम है इसका। सर इसके अंदर बिल्ट इन इन्वर्टर है, ठीक है। डायरेक्ट चार पैनल लगाएंगे, 550 वाट के चार पैनल लगेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली आपका ये सोलर पे रन करेगा। इसके अंदर कोई इन्वर्टर या कोई MPPT लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप चार पैनल लगाएं, दो तारें आपकी आएंगी आउटडोर के अंदर लगेंगी, इससे कनेक्ट होगा और डायरेक्टली चलेगा सोलर पैनल। अगर कभी मौसम बादलों वाला होता है उसके बाद क्या सिलसिला होता है, कैसे कन्वर्ट होता है बिजली पे? देखिए ऑन ग्रिड भी ये चल सकता है और डायरेक्ट सोलर पावर पे भी चलेगा ये। इन केस क्लाउडी वेदर होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि जितनी पावर इसको सोलर से मिल रही होगी उतनी वहाँ से कंज्यूम करेगा और बाकी पावर जितनी इसको रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रिसिटी से वहाँ से KE से लेगा और आपके AC को रन करेगा। सही है। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि सोलर के ऊपर ये कितने परसेंट चल रहा है, बिजली पे कितना परसेंट चल रहा है, कोई इसका मीटर होता है, कोई सिलसिला होता है इसका? ये एप्लीकेशन है, आप हायर स्मार्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उससे अपने AC को कनेक्ट कर लेंगे। एक तो आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। सही है, उसके अंदर हमें सब डिटेल बताएगा कितने परसेंट सोलर पे चल रहा है, कितने परसेंट ग्रिड पे चल रहा है। जी बिल्कुल, आपको कंप्लीट डिटेल देगा, उसके अंदर आपको परसेंटेज भी बताएगा और बाकायदा उसके अंदर वाट्स भी आपको बताएगा कि कितने वाट्स पे ये इलेक्ट्रिसिटी जो है KE से यूज कर रहा है और कितने वाट जो है वो सोलर से मिल रहे हैं इसको। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हवा तो बहुत ठंडी फेंक रहा है, डायरेक्ट सोलर से चल रहा है ना ये इस टाइम पे, क्योंकि आज क्लाउडी वेदर है तो इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी और सोलर दोनों पावर को यूज करते हुए चल रहा है। सही है व्यूअर्स, हमने आपको बाहर दिखाया भी है कि सोलर प्लेट पे लगा हुआ है और डायरेक्ट उसके ऊपर चल रहा है, डायरेक्ट सोलर कनेक्शन है, सोलर ग्रिड ऑटो बैलेंस खुद ही कर लेता है कि ग्रिड से कितनी बिजली लेनी है और सोलर से कितनी बिजली लेनी है, और इस तरह आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रात के वक्त लोग बोलते हैं कि रात के वक्त भी ये सोलर पे चलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ दिन के ऊपर सोलर पे चलता है, जब सूरज की रोशनी होती है थोड़ा क्लाउडी वेदर होता है तो थोड़ा बिजली पे चलता है और थोड़ा सोलर पे चलता है। जहाँ तक इसकी प्राइस का ताल्लुक है तो इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 2,40,000 का। ये डेढ़ टन का AC है और सोलर पैनल के साथ इसकी प्राइस पड़ेगी 4,50,000। इसके अंदर इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री हैं, इंस्टॉलेशन के कोई चार्जेस नहीं है। इसी 4,50,000 के अंदर सोलर पैनल और AC फिट हो जाएगा आपका। इस AC इंस्टॉलेशन के अंदर 10 फीट तक पाइप जो है वो फ्री होगा, और सोलर पैनल की बात करते हैं तो उसके अंदर 30 फीट तक वायर फ्री होगी। इसके ऊपर कुछ पाइप का या तार का खर्चा होता है तो उसकी जो भी कॉस्ट है वो हमें बेयर करनी पड़ेगी, वो हमें पैसे देने पड़ेंगे। इनकी कराची एक्सपो सेंटर के अंदर एग्जीबिशन लगी हुई है 26 जुलाई 27 जुलाई और 28 जुलाई, तो इस एग्जीबिशन से फ़ायदा उठाइए, आप इनके पास विज़िट कीजिए। अगर आपने AC ख़रीदना है अपना नाम लिखवाइए और हायर के जो भी इनके आउटलेट्स हैं उधर से आपको इसके ऊपर मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। हम आपको ये भी बताते चलें कि हायर के पास पहले जो AC आया था वो था सोलर हाइब्रिड 1। अब जो टेक्नोलॉजी हम आपको दिखा रहे हैं ये है सोलर हाइब्रिड 2, ये थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस AC की एक और खासियत ये है कि ये हीट एंड कूल है, यानी सर्दियों के अंदर आप इसको एज अ हीटर यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में एज AC यूज़ करते हैं। मज़ीद हम आपको ये भी बताते चलें कि इस AC के साथ 4 सोलर प्लेट लगती हैं और एक सोलर प्लेट जो है 540 वॉट्स की है। आज हमने आपको सोलर का पूरा सेटअप दिखाया, हमने दिखाया किस तरह सोलर पैनल्स आउटर से कनेक्ट होते हैं और आपको पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश की। ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि कुछ जगहों पर चलता है कि रात को चलने वाला सोलर, जब रात को सूरज की रोशनी नहीं होगी तो सोलर कैसे चलेगा, ये सब बातें हैं। हाँ, दिन में आप इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी पूरी कहानी पाकिस्तान के पहले सोलर हाइब्रिड AC की। अगर आप हमारी वीडियो लाइक कर रहे हैं तो हमें शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और नए आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।